हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कोटेशन टैग के बारे में बताने वाला हूँ कि कोटेशन टैग होता क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, बेसिकली आप जब कोई बुक वगैरह पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि कई सारे हेडिंग दिए होते हैं और उसके नीचे उसका डिफिनेशन दिया होता है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा बोल्ड किया जाता है और उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे थोड़ा लाइट फॉन्ट में लिखा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोटेशन। या फिर जो हम इम्पोर्टेंट्स वर्ड होते हैं, इम्पोर्टेंट्स कोट्स होते हैं, उसको कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो HTML में भी उस तरीके के कंटेंट को लिखने के लिए HTML में स्पेशल कोटेशन नाम के टैग्स बनाए गए हैं, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये HTML कोटेशन टैग्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टैग आता है इसमें क्यू टैग आता है। क्यू टैग यूज होता है किसी भी कंटेंट को डबल कोट्स के अंदर लिखने के लिए। सेकंड जो है वो है ब्लॉक कोट्स। दोस्तों, ये ब्लॉक कोट्स जो है यूज होता है कि मान लो कि आपका कोई हेडिंग है, आप किसी चीज़ के बारे में डिफिनेशन लिखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ले लो महात्मा गांधी, आप गांधी जी के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो आप हेडिंग क्या दोगे, गांधी, महात्मा गांधी। एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो मेन ऊपर वाला हेडिंग स्टार्ट होता है उससे एग्जैक्टली उसके सामने से वो स्टार्ट नहीं होता, बल्कि लेफ्ट से थोड़ा स्पेस छोड़ करके फिर नीचे जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो होता है। थर्ड नंबर जो है ये है एब्रिविएशन टैग। एब्रिविएशन का मतलब ये होता है कि ये एक्रोनिम को डिफाइन करता है, उसके एब्रिविएशन को डिफाइन करता है। जैसे कि मान लो आप WHO है, तो हमारा WHO जो है वो एक्रोनिम है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिफाइन करने के लिए हम एक्रोनिम यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे है साइट टैग। दोस्तों, साइट टैग यूज होता है किसी भी इम्पोर्टेंट, किसी मान लो कि कोई आप पी टैग है, कोई पैराग्राफ है, उसमें आप कोई मेन वर्ड को डिफाइन करना चाहते हो। सपोज आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था महात्मा गांधी, तो आप लिखना चाहते हो महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट मैन, तो इसमें जो मेन वर्ड है टाइटल ऑफ द वर्क यानी कि महात्मा गांधी, तो इसमें महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइट टैग का यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हमारा वीडियो टैग। दोस्तों, वीडियो टैग यूज होता है कि टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। सिंपली हम क्या करते हैं कि कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमने लेफ्ट से राइट की ओर लिखना स्टार्ट किया है, बट कुछ सारे लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए उर्दू होता है, तो उर्दू जैसे लैंग्वेज को लिखने के लिए हम HTML में इस टैग का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इन सारे टैग को यूज करके मैं कोड के थ्रू आपको बताता हूँ कि इन सारे के इफ़ेक्ट क्या आएंगे। तो मैंने पहले से एक index.html बना रखा था और मैं इसमें एक HTML का पेज बना देता हूँ। टाइटल दे देता हूँ कोटेशन टैग। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक पी टैग लूँगा, अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ मिस्टर गांधी, गांधी वाज अ ग्रेट ग्रेट मैन। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं चाहता हूँ कि ये डबल कोट्स के अंदर आ जाए, तो सिंपली मैं इसके पहले क्यू टैग लगा दूंगा और इसको बंद कर देता हूँ। चलिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा हमारा।
तो सिंपली यहाँ पे कोटेशन टैग को रन करते हैं। जैसे तो आप देख सकते हैं कि जब हमने जहाँ पे क्यू टैग लगाया था उसके बाद में यहाँ पे मिस्टर गांधी वाज अ सॉरी मिस्टर गांधी वाज अ ग्रेट मैन, हमने इसको कोट्स लगाया था तो इसके अंदर ये क्यू टैग लगाने की वजह से कोट्स दिख रहा है। इसके अंदर एक हम एच आर टैग रख देते हैं। एच आर टैग दोस्तों यूज होता है हॉरिजॉन्टल रो के लिए। और जो सेकेंड हमारा एग्जांपल है वो है ब्लॉक कोट का। तो सिंपली मैं पहले पी ले लेता हूँ, पी के अंदर मैं मिस्टर गांधी एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं ब्लॉक कोट लिखता हूँ, ब्लॉक कोट टैग। और इसके अंदर मैं कुछ भी सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये जस्ट लॉरम इप्सम यूज होता है डमी टेक्स्ट के लिए। इस ब्लॉक कोट के अंदर मैं एक और एच आर टैग लेता हूँ ताकि पता चले कि कौन सा टैग कहाँ पे है। इसका दोस्तों ब्लॉक टॉक का सॉरी ब्लॉक कोट का एक एट्रीब्यूट भी आता है साइट नाम का। इसमें क्या होता है कि हम एड्रेस देते हैं, जैसे कि मान लो google.com। ये एड्रेस, ये साइट टैग ये बताता है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट हमने लिया है वह कंटेंट हम कहाँ से लिए हैं। एक्चुअली रेफरेंस दिखाने के लिए यूज होता है कि जो हम अपने वेबसाइट में, मान लो कि मैं अपने वेबसाइट में किसी अदर का कंटेंट यूज करना चाहता हूँ, किसी अदर वेबसाइट से कंटेंट लिया है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये साइट टैग का यूज करते हैं। और गूगल के SEO को लेकर के भी अच्छा होता है, ताकि गूगल फ्रेंडली होता है और हमारा पेज रैंकिंग में आता है। ये हो गया हमारा ब्लॉग कोट्स। सेकंड जो है हमारा एड्रेस टैग है। दोस्तों एड्रेस टैग यूज होता है एड्रेस वगैरह नेम वगैरह प्रिंट कराने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस्टर दिवाकर, एक BR टैग लेता हूँ, 102 स्ट्रीट दिल्ली। तो ये जो है हमारा एड्रेस या फिर किसी का नाम वगैरह शो कराने के लिए यूज होता है। इसको भी एक HR टैग में मैं टैग दे देता हूँ। अब इसके नीचे हम एक और जो हमारा था साइट टैग, साइट टैग को हम पी टैग के अंदर यूज करते हैं या फिर किसी H1 किसी भी टैग के अंदर यूज करते हैं। तो साइट टैग क्या होता है कि ये डिफाइन करता है टाइटल ऑफ वर्क को। जैसे कि टाइटल ऑफ वर्क एग्जांपल के लिए मिस्टर गांधी ले लो, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अबाउट मिस्टर गांधी के बारे में, मिस्टर गांधी वाज सेम एग्जांपल दे देता हूँ ग्रेट मैन। तो मैं यहाँ पे मिस्टर गांधी के बारे में लिख रहा हूँ, तो इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए बेसिकली अगर हम इसको साइट टैग के अंदर लिखते हैं तो इसका जो फॉन्ट होगा थोड़ा सा कर्ली हो जाता है और ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। हमारा नेक्स्ट जो टैग है इसको भी अंदर हम HR टैग ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है BDO। BDO के एट्रीब्यूट में क्या होता है, डायरेक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है। और डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्शन बताते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट लिखेगा या लेफ्ट टू राइट लिखेगा। तो हमें राइट टू लेफ्ट लिखना है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं सेव करता हूँ और कोड को देखते हैं कि क्या आउटपुट आया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ये वाला टैग, ये है हमारा
क्यू टैग जो कि कोट्स के लिए यूज होता है, एंड ये वाला है हमारा ब्लॉक टैग जो हमने ब्लॉक टैग जो है ये वाला है ब्लॉक टैग सॉरी यहाँ पर मैंने एड्रेस टैग को मेंशन करना भूल गया हूँ, यहाँ पर एड्रेस टैग भी मेंशन कर देता हूँ। सो ये जो हमारा पहला एग्जांपल था इसमें हमने लिया था क्यू टैग के बारे में। तो क्यू टैग क्या करता है कि सिंपली किसी भी कंटेंट में उसको कोट्स के अंदर में लिखने के लिए यूज होता है। ब्लॉक कोट टैग किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। सपोज मैं चाहता हूँ कि मिस्टर गांधी के बारे में कुछ लिखने के लिए, तो उसके अंदर जो उसके नीचे जो ब्लॉक कोट्स हम लिखेंगे, ब्लॉक कोट्स एक्चुअली अपने लेफ्ट से कुछ मार्जिन ले लेता है यानी कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ देता है, उसके बाद ये सारे कंटेंट लिखता है। थर्ड नंबर पे हमने क्या लिखा था, एड्रेस के बारे में। एड्रेस टैग का आप देख रहे हैं कि फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, इटैलिक हो जाता है। उसके बाद हमने क्या था टैग, एक साइट नाम का टैग था जो कि रिप्रेजेंट करता है मेन टाइटल को। इस सेंटेंस में हमारा मेन टाइटल क्या है, मिस्टर गांधी, तो ये मिस्टर गांधी को का जो फॉन्ट फैमिली है थोड़ा चेंज कर देता है, कर्ली कर देता है। अब नेक्स्ट जो था वो क्या था हमारा वीडियो टैग। वीडियो टैग क्या करता है कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अगर हम जैसे लिखते हैं हेलो एच ई डबल एल ओ, तो ये चेंज करके उसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, ओ डबल एल ई एच। तो ये यूज होता है हमारे सारे कोटेशन टैग का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।